आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। पूरी दुनिया भर की तरह करगिल लद्दाख में भी मजालिस से अजाब बरपा किया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस अजीम शहादत को याद करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पे मजालिस से अजाब बरपा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग मजालिस से हुसैनी में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त हम आप तक एक ख़ास रिपोर्ट जमीयत उलमा इस्नाशरिया करगिल से पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मर्द व ज़न मजालिस अजाब में शिरकत करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाब बावफा को याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मजालिस अजा के दौरान बाहर जो हैं चंदे का भी किया जा रहा है मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के लिए, और साथ ही साथ सभी ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंसारुल मेहदी जमीयत उलमा इस्नाशरिया करगिल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सबील का स्टॉल लगा है, जहां पे हर रोज़ लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों के लिए पानी और जूस का इंतज़ाम किया जाता है ताकि सबील से आज़ादारान हुसैन इस्तिफाज़ा हासिल कर सके। इस वक्त आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं मजालिस हुसैनी में शिरकत कर रहे हैं और शिरकत करके इस अजीम शहादत से जो मैसेज जो हैं वो ले रहे हैं और इस अजीम शहादत से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, ख़ासकर करबला के वाकया के हवाले से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबील इमाम हुसैन जो है जमीयत उलमा इस्नाशरिया करगिल के अंसारुल महदी जो कि जवानों का ग्रुप है उनके ज़रिए जो है हर साल करते हैं, इस साल भी अहतमाम किया है। तो यहाँ पे जो आज़ादारान हैं उनके लिए पानी और जूस का अहतमाम किया गया है। खादिम सबील इमाम हुसैन से बात करके जाने की कोशिश करेंगे कि सबील का क्या अहमियत है और ख़ासकर इस साल के मुहर्रम अल हराम के हवाले से इस सबील से किस तरह के पैगाम पहुँचा रहे हैं उन्हीं की ज़ुबानें आप तक पहुँचाएँगे। मेरे साथ दे रहे हैं मुसाद उमेर। सर हर साल की तरह इस साल भी सबील इमाम हुसैन अंसारुल महदी के ज़रिए यहाँ पर अहतमाम किया है, तो क्या कुछ इंतजाम किया है, तो इस साल अलग कुछ क्या रखा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप सबको पता है हर साल की तरह अंसारुल महदी ने जवाना ने इस्नाशरिया करगिल ने इस साल भी सबील इमाम हुसैन का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे हमारा मेन स्टॉल रहता है, उसके बगैर इस साल हमने बहुत सारे टाउन के एरिया में बहुत सारे मकामात पर हमने पानी का फैसिलिटी रखा है, जैसे कि बरू में है आपका, बेमतम में है, या इस बल्टी बाज़ार में है, तो बहुत सारी जगहों पे हमने इस साल ये एक एडिशनल एक करके रखा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे और कितना लोगों की शमूलियत आज़ादारान हुसैन की शमूलियत रहता है? हमारा मैसेज यही रहेगा कि जिस तरह आप जानते हैं जुल्म के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाना चाहिए, मज़लूम के हक़ में होना चाहिए, तो एक ये सबील के ज़रिए से हम ये एक मैसेज भी देते हैं और आज की डेट में कोई प्यासा ना रहे, इसलिए हम ये सबील का इनेकाद करते हैं। तो बाकी रहा आपका जो जितना सुबह 8 बजे से लगभग हमारे स्टॉल 9:30-10 बजे से लगता है, शाम कोई मजलिस के अख्तिताम तक 2:30 बजे तक, तो हर दिन हमारा ये टारगेट जो है 10 से 12 हज़ार तक जाता है। हम 10 से 12 हज़ार पानी का भी और ये जो ग्लासेस है आप देखते हैं और ये जूस वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। सर अंसारुल महदी के ज़रिए हर साल सबील इमाम हुसैन का अहतमाम किया जाता है, इस साल भी किए हैं, तो क्या कुछ इंतज़ाम इस साल किया है और किस तरह के मैसेज सबील से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मेंबर अंसारुल महदी जमीयत उलमा इस्नाशरिया करगिल, हर साल की तरह इस साल जो है सबील इमाम हुसैन जो है सेटअप किया गया है। हर साल जो है तकरीबन हम लोग जो है 8,000 से 10,000 के बीच जो है तमर्रुक का इंतज़ाम करते थे, तो इस साल हमने बढ़ा के उनको 12 से 13 हज़ार रखा है गया है, तो कंप्लीट जो है वो तमर्रुक जो है लोगों तक दस्तियाब पहुँचाता है। तो साथ ही साथ मैसेज ये है कि ये जो सबील जो है इमाम हुसैन सबील जो है शहदाए करबला और हज़रत अली अजहर के उस शहीद को याद करके हमने यहाँ पे रखा गया है,
तो मसीह को जो है बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लेना चाहिए और सबीले जो है हर जगह पर जो है दस्तियाब करना चाहिए। Dirk.